नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे वाराणसी के पहले इनर सर्विस रोड का, जहां पर कि प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां से होता है, क्योंकि ये BLW की तरफ चले जाता है ये मार्ग आगे की तरफ से। और इस मार्ग का फिलहाल सौंदर्यीकरण किया गया है, यानी कि आप यहाँ देखेंगे तो ये सामने ही BLW जाने का मार्ग है। और यहाँ पर सड़क के एक तरफ आप देखेंगे पार्किंग स्थल बनाया गया है गाड़ियों के लिए। और ये 4 लेन सड़क आपका लहर तारा से लेकर रविंद्रपुरी तक, लंका होते हुए रविंद्रपुरी तक, सामने ही आप देख रहे हैं सेंट जॉन्स स्कूल BLW वाराणसी। और ये मार्ग फिलहाल अभी भी बना है और इसी मार्ग से प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है। तो चलिए आपको आगे मैं ले चलूंगा लहर तारा तक। ये सेंट जॉन्स स्कूल का वो बाउंड्री वॉल है और आगे में ही आपका BLW जाने का मार्ग बाएं तरफ। ये आप देख रहे हैं BLW जाने का ये मार्ग है और इसी मार्ग से मैं आगे आपको ले चलता हूँ लहर तारा तक, और पूरा अपडेट आपको दूंगा इस मार्ग का। वाराणसी की पहली आपकी इनर सर्विस रोड है जो शहर के बीचों बीच से गुजरती है। ये सभी डिवाइडर नए बने हैं और यहाँ पर पौधों को भी लगाया गया है और सभी पौधे बोगनविलिया के हैं। तेईस तारीख को प्रधानमंत्री जी का वाराणसी दौरा है और जिसके मद्देनज़र यहाँ पर काफ़ी तैयारी की गई है। आगे ही आपका ये ककरमत्ता फ्लाईओवर, इस ककरमत्ता फ्लाईओवर से आगे मड़ुवाडी चौराहे से होते हुए हम आपको ले चलेंगे लहर तारा तक। वाराणसी शहर के बीचों बीच से ये 4 लेन गुजरती है लहर तारा से BLW से होते हुए सुंदरपुर, BHU, लंका और फिर आपका रविंद्रपुरी होते हुए ये मार्ग सीधे चले जाता है आपका रविंद्रपुरी तक। जैसा कि देख रहे हैं तैयारी ज़बरदस्त चल रही है। प्रधानमंत्री के आगमन पर संत शिरोमणि रविदास जी की जन्मस्थली पर भी जाया जाएगा और एक बड़ी सी प्रतिमा का अनावरण करेंगे संत जी के, और करखियाओं में बन रहे एग्रो पार्क में बन रहे अमूल प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। आगे सीधे आपका इसी मार्ग पर बनारस रेलवे स्टेशन का द्वितीय प्रवेश द्वार है। ये आप देख रहे हैं, ये है ककरमत्ता फ्लाईओवर। ये 4 लेन सड़क बन रही है और
इस सड़क मार्ग में काफ़ी सुविधाएं होंगी। यात्री बस स्टॉप, उसके बाद पीने के पानी के लिए जगह जगह नल लगेंगे, सीसीटीवी कैमरा, बीच में डिवाइडर पर हरे भरे पेड़ पौधे और स्ट्रीट लाइट, ये सभी इस मार्ग पर आपको आने वाले समय में मिलेगा। इस तरफ देख रहे हैं, ये है आपका बनारस रेलवे स्टेशन। ये आगे चले जाएगा सीधे आपका मड़ीवाड़ी चौराहे से होते हुए लहरतारा के लिए। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। जितने भी डिवाइडर हैं उन पर पीली और काली पट्टियाँ, अभी भी यहाँ पर पेंटिंग का काम चल रहा है, यानी कि सौंदर्यीकरण का काम ज़बरदस्त। लहरतारा से लेकर लंका होते हुए रविंद्रपुरी तक ये मार्ग 4 लेन है। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर शानदार तरीके से इस मार्ग में पाम के वृक्ष लगाए गए हैं। आने वाले समय में काफ़ी बदला ये नज़र आएगा जब ये पेड़ पौधे सब हरे भरे हो जाएंगे। ये आगे सीधे आपको लहरतारा तक ले जाएगा, फ्लाईओवर तक। 4 लेन सड़क, वाराणसी का पहला शहर के बीचों बीच से गुजरने वाला ये 4 लेन सड़क होगा, जो अपने आप में काफ़ी ख़ास होगा। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो एक चीज़ आप देखेंगे तो इस डिवाइडर पर जितने भी आपको स्ट्रीट लाइट लगाए गए, सब में आपका त्रिशूल की आकृति है। एक नए प्रकार का ये डिवाइडर पर लाइट लगाया गया है जो कि त्रिशूल युक्त है। ऊपर में ये पूरा आपका सामने फ्लाईओवर है, वहाँ तक आपको इसी प्रकार का ये दृश्य दिखाई देगा। यहाँ से फिर ये आपका फ्लाईओवर शुरू होता है, जैसा कि आप आगे देख रहे हैं, कचहरी, शिवपुर और बाबतपुर के लिए ये मार्ग आगे चले जाएगा। काफ़ी शानदार ये सड़क मार्ग है। ये है आपका लहरतारा से लेकर आगे शिवपुर तक के चले जाएगा ये 4 लेन सड़क। ये भी है क्योंकि अभी फ़िलहाल नया बना है। ये मार्ग आप देख रहे हैं, ये लहरतारा मेरे पीछे चले जाएगा और ये फ्लाईओवर यहाँ पर आगे में ही आरओबी के पास 2 भागों में बटा है, जो कि एक बौलिया की तरफ चले जाएगा और ये यहाँ पर काफ़ी सकरा ये मार्ग हो जाता है। जहाँ पर आप देखेंगे तो ये मार्ग यहाँ चला गया है आपका ये बौलिया के लिए, ये सड़क मार्ग। और ये आगे आप
सीधे चले जाएंगे शिवपुर के लिए। जैसा कि यहाँ फिर भी दिखाऊँ आपको, इस मार्ग में पूरी तरीके से कंप्लीट काम हो चुका है और ये मार्ग आवागमन के लिए खुल चुका है। काफ़ी साफ और चलने में आरामदायक ये सड़क मार्ग लहरतारा से लेकर शिवपुर तक। इस मार्ग में दो फ्लाईओवर हैं, दो आरओबी, एक मेरे पीछे था और एक सामने की तरफ है। काफी शानदार ये आरओबी है। आपको शिवपुर तक ले चलता हूं। यहां से आप बाबतपुर भीड़ भाड़ से बचते हुए जा सकते हैं और कचहरी भी यहां पर आप पहुंच सकते हैं। अगर आप लहरतारा से होते हुए आ रहे हैं, बीएलडब्ल्यू से होते हुए आ रहे हैं, तो इस मार्ग से आप बिना जाम में फंसे हुए सफर कर सकते हैं। ये आपका वरुणा ब्रिज पर बना पुल है, वरुणा ब्रिज। जैसा कि देख रहे हैं, बैरिकेडिंग किया गया है इस मार्ग में जगह जगह। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।